एंट्री के साथ ही आप यहाँ पे आप दो गाड़ियां आराम से लगा सकते हो, इतनी स्पेस है यहाँ पे। ये स्पेस आप अपने घर में किसी भी लेडीज को, आपकी वाइफ को या फिर मम्मी को दे सकते हो। तो ये हार्डली ही आपको 200 से 250 मीटर पड़ने वाला है, इससे ज्यादा नहीं है यहाँ का डिस्टेंस। हाय फ्रेंड, मैं अमित भारद्वाज एग्जैक्ट हाउसिंग से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिपेंडेंट विला जो है 125 गज में, और आप बाहर से देखो तो आपको ये कुछ ऐसा सा दिखने वाला है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारी जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ से हार्डली 200 से 250 मीटर अंदर है, और लोकेशन मैंने आपको बताई जैसे कि हमारी जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ से 200 से 250 मीटर अंदर है। और अगर आप थोड़ा एरिया घूम के देखना हो, यहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी अच्छी बनने वाली है, लोकेशन काफ़ी अच्छे रहने वाली है। एक फैमिली तो यहाँ पे ऑलरेडी मूव इन भी कर चुकी है, तो ये और एक फैमिली मूव इन कर चुकी है, चार विलाज ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, तो काफ़ी जल्दी यहाँ पे चीज़ें बिक जाने वाली हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपना घर जल्द से जल्द, खासकर न्यू ईयर तक आप अपने घर में शिफ्ट हो जाओ, तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आपको ज़रूर आके देखना चाहिए। एक बार आप प्लीज़ यहाँ पे आके विजिट करो, आपको एक लोकेशन और चीज़ ना काफ़ी अच्छी लगने वाली है, पसंद आने वाली है। आइए आपको लेकर चलते हैं सैंपल फ्लैट में। ये जो विला है यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट इन हो चुकी है। तो ये हमारा 4 BHK डुप्लेक्स इंडिपेंडेंट विला, ये है उसकी एंट्री। एंट्री के साथ ही आप यहाँ पे आप दो गाड़ियाँ आराम से लगा सकते हो, इतनी स्पेस है यहाँ पे कि आपको दो गाड़ियाँ तो इजीली आपकी लग जाएंगी यहाँ पे। एंट्री के साथ ही आपको ये एरिया मिल रहा है, यहाँ पे आप अपने जो भी गमले हैं, फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे रख सकते हो। ये जो एरिया है ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे अपना इन्वर्टर वगैरह रखने के लिए। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये काफ़ी डिसेंट लगा मेरे को छुपा हुआ, किसी को इन्वर्टर देखा गया। मोस्टली घरों में इन्वर्टर ऐसे, इवन कि मेरे घर में भी इन्वर्टर ऐसे ही रखा हुआ है। कोई भी आता था सबसे पहले उसको बैटरीज दिखती हैं, जो बहुत कूल चीज़ नहीं है। साथ में आपको यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया मिल रहा है, और ये एक लॉबी टाइप मिल रही है, काफ़ी है, इनफ है, 4 या 5 फुट के आसपास है इसकी विड्थ। और अगर आप एंट्री की बात करें तो एंट्री भी इनफ काफ़ी चौड़ी है, आप इजीली अपना कोई भी बेड, अलमारी, कोई भी जो भी चौड़ा सामान है वो इजीली आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। सेम आपको वॉलपेपर मिलने वाला है, ये जैसा वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल रहा है आपको सेम वॉलपेपर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वॉलपेपर पसंद नहीं आ रहा है, आपको कुछ और पसंद है, किसी और टेक्सचर में आपको वॉलपेपर पसंद है, तो वो आप पहले ही बता सकते हो, आपको वही सेम वॉलपेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे मिल रही है एलईडी पैनल। एलईडी पैनल देखो आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक वाइज मैच कर रहा है आपके वॉलपेपर को भी, और जो हमारा पेंट हुआ है उसको भी। यहाँ पे आप 55 इंच की एलईडी आराम से लगा सकते हो, और साथ में आपको सामान रखने के लिए इनफ स्पेस दिया हुआ है। तो कोई भी आप फोन के चार्जर हो गए या फिर अपनी एक्सटेंशन हो गई, वो सब कुछ यहीं पर रख सकते हो। 3 ड्रॉर्स मिली हुई हैं यहाँ पे, वैसे एरिया मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा मोटाई देखो आप दरवाजे की, इससे आपको पता लगेगा कि कितनी
किस क्वालिटी का मटेरियल यूज किया हुआ है? ये डिजाइन काफी अच्छा है, मोल्डिंग का डिजाइन काफी अच्छा है। साथ में आपको ये मिल रही है हमारी किचन, यहीं पे आपकी किचन है, ओपन किचन, ओपन मॉड्यूलर किचन का कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। साथ में आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक पार्टीशन। इस पार्टीशन का मेन मोटिव है कि आपकी जो वेट एरिया है, जो आपकी वेट किचन है, वो अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो वो उससे छुप के ही रहे। कोई भी नहीं चाहता कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसको हमारे गंदे बर्तन दिखें, तो उसको एक अच्छे वे में और एक एलिगेंट वे में छुपाने के लिए ये हमने एक साथ में पार्टीशन दिया हुआ है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। साथ में अगर हम बात करें किचन की, तो किचन में आपको ये ग्लास के दरवाजे के साथ आपको ये सॉफ्ट क्लोजर कैबिनेट्स दिए हुए हैं, जो कि इनफ है आपकी, आपका जो भी सामान है उसको फिटिंग करने के लिए इनफ है। यहाँ पे भी आपको मिला हुआ है और ये कॉलिन आपको नहीं मिलने वाला। ये यहाँ पे आपको एक और कबर्ड मिला हुआ है। यहाँ पे आपको सेम वाइट टॉप के साथ स्लैब मिलने वाली है। स्लैब के नीचे आपको सॉफ्ट क्लोजर में मिलने वाला सब कुछ। तो देख रहे हो आप कि एक मॉड्यूलर किचन में जो भी होता है आपको वो सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि आपको ये कलर पसंद नहीं है, अगर आप ये ऑलमोस्ट कौन सा कलर है, लड़कियों को खासकर पता होगा कि ये कौन सा कलर है, हमारे लिए तो ये कौन सा कॉपर। अगर आपको ये कॉपर कलर पसंद नहीं है तो आप आकर पहले ही बता सकते हो कि नहीं, मेरे को ये कलर पसंद नहीं है। आपको कोई और कलर पसंद होगा तो आपको वो भी मिल सकता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज करा सकते हो यहाँ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पे एक 72x72 का बेड लगने के बाद ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगी आपको कि आप मूव कर सको इधर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, बिना दीवारों से और बिना अपनी कपबोर्ड से टकराए आप इजीली यहाँ से वहाँ जा सकते हो। कपबोर्ड की बात करेंगे तो अभी ये बंद है क्या? खुल गई। कपबोर्ड की बात करें तो आपको काफी स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। अगर ये स्पेस आप अपनी घर में किसी भी लेडीज को, आपकी वाइफ को या फिर मम्मी को दे सकते हो, उनके पास इतने कपड़े होंगे कि ये भर जाएगी। और दूसरी स्पेस आप खुद ले सकते हो, आदमियों के पास कितने ही कपड़े होते हैं अगर ये खुल जाए तो। भाई साहब बाहुबली गया। हाँ, ये स्पेस आदमियों के लिए इनफ है, बेचारे के 5 कपड़े और नीचे आने के लिए इनफ स्पेस है। एक फैमिली के लिए इनफ स्पेस है, एक कपल के लिए। इस कबर्ड में सीलिंग हाइट तक आपको कबर्ड मिल रही है। यहाँ पे आपको एक ड्रेसिंग टेबल टाइप चीज मिल रही है। आप यहाँ पे अपना सारा मेकअप का सामान कुछ भी रखना है, डियो वो सब रख सकते हो। साथ में आपको मिल रहा है मिरर, नीचे आपको ड्रॉर्स भी मिल रही है। तो आपको अब जो आपका पुराना ड्रेसिंग टेबल है उसको यहाँ पे लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिल रहा है। सेम आपको LED पैनल मिलने वाला है यहाँ पे। सेम आप 50-55 इंच की LED आराम से लगा सकते हो। LED पैनल के साथ आपको यहाँ पे ड्रॉर्स मिल रहे हैं, आपका कुछ भी मूवेबल छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और यहाँ पे आ जाते हैं हमारी हमारा अटैच वॉशरूम। यहाँ पे अभी फिटिंग नहीं हुई है, पर जो भी फिटिंग होगी यहाँ पे जैगवार की फिटिंग होंगी,
टाइल्स आप देख सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स यहाँ पे यूज की हुई है। ये हमारा एक यहाँ पे वॉशिंग एरिया का थोड़ा सा अच्छा और अलग लुक देने के लिए थोड़ा ब्लैक टाइल्स का यूज किया है। सीलिंग हाइट तक टाइल्स हैं ताकि आपकी दीवारें कभी गंदी ना हो। और यहाँ पे साथ में आपको मिला हुआ है विंडो है, और यहाँ पे आप लाइटिंग और फ्रेश एयर दोनों के लिए काफी इनफ है। ये चलते हैं हमारे सेकंड रूम में। ये हमारा सेकंड रूम सेम जैसा फर्स्ट रूम था वैसे ही सेम टाइप की कबर्ड यहाँ पे आपको मिल रही है विद ड्रेसिंग टेबल टाइप उसके साथ। उस रूम में जो हमारी कबर्ड का कलर कॉम्बिनेशन था वो डिफरेंट था। हमने ट्राई किया है कि हर रूम में आपको एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है ताकि आप बोर ना हो किसी भी चीज सेम चीज देख के। सेम आपको सीलिंग हाइट तक कबर्ड मिली हुई है, सेम यहाँ पे वही लेडीज टाइप की काफी इनफ स्पेस बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी लगा नहीं, जैसे ही लग जाएगा ये एक आपके लिए एक ज्वेलरी बॉक्स टाइप जगह है जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हो। बात करें यहाँ के वॉशरूम की तो ये है यहाँ का वो इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम। यहाँ पे वाइट गोल्ड टाइल्स में हमने ट्राई किया वाइट और गोल्ड में आपको कलर कॉम्बिनेशन देने की। सेम इस वॉशरूम में भी जगुआर की ही फिटिंग रहेगी सारी की सारी। वही सीलिंग हाइट तक हमारी टाइल्स हैं। यहाँ पे आपको गीजर का प्रोविजन मिलेगा और सीलिंग में लाइट्स लगी हुई। ये है यहाँ का इस फ्लोर का एक कॉमन वॉशिंग एरिया टाइप। आप यहाँ पर आपका फाइबर की शीट को प्लेस इन करके इजीली आप अपने यहाँ पे वॉशिंग मशीन को रख सकते हो। यहाँ पे हमने प्रोविजन दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का और यहीं पे वाटर आउटलेट का प्रोविजन मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं हमारे बाकी बचे हुए रूम्स की तरफ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था ये है 4 BHK डुप्लेक्स विला। तो सेम जैसा कंसेप्ट हमने नीचे देखा है सेम टू सेम आपको यहाँ पे सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे मिलने वाला है। हाँ सेकंड फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर था हमारा उस पर हमने वॉलपेपर था, यहाँ पे आपको सिर्फ वॉलपेपर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ वॉलपेपर नहीं मिलेगा, अदरवाइज और जो भी अमेनिटीज हमने नीचे देखी हैं सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलने वाली है। हाँ दूसरी चीज आपको जो नहीं मिलेगी वो है जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था कि किचन वेट किचन के साथ हमारा पार्टीशन था वो आपको नहीं मिलेगा और आपको वॉलपेपर नहीं मिलेगा। बाकी सब आप किचन में देख रहे हो किचन आपको सेम मिल जाएगी, मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ। सेम आपको यहाँ पे LED पैनल मिलने वाला है, वही आप यहाँ पे 50 से 55 इंच की LED आराम से लगा सकते हो। सेम आपको यहाँ पे ड्रॉर्स मिल रहे हैं ताकि आप अपना कोई भी सामान यहाँ पे इजीली रख सको। ये है हमारा थर्ड रूम, आप एक बार घूम के देख सकते हो। जैसा हमने नीचे दिखाया था सेम वैसा ही यहाँ पे थर्ड रूम है और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम।
ये वॉशिंग एरिया है, इसीलिए यहाँ पे जो एरिया है इस वॉशिंग एरिया को 1 इंच डाउन करके रखा है ताकि बेफालतू का पानी बाहर की तरफ ना आए। वही आपको सीलिंग हाइट तक टाइल्स मिलेंगे। यहाँ पे बाथरूम में फ्रेश एयर के लिए भी है और लाइटिंग के लिए भी आपको एक विंडो मिल रही है। अब इसको हटवा के ट्रांसलूसेंट कलर भी, ट्रांसलूसेंट टाइप ग्लास भी लगा सकते हो प्राइवेसी के लिए, प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहे उस चीज के लिए। सेम आपको इस रूम में भी ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है। और ये है हमारा फोर्थ रूम। फोर्थ रूम भी सेम जैसा हमारा सेकंड रूम था वैसे ही हमारा फोर्थ रूम है। यहाँ की अगर चौखाट वगैरह की बात करें तो सारा का सारा काम वुडन वर्क है। और मेरे को सबसे अच्छा लगा ये वाला डिजाइन, डिसेंट और विड्थ के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। सेम इस वाले वॉशरूम में भी आपको गोल्ड और वाइट कलर के बेस में टाइल्स का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है सीलिंग हाइट पे। और आज कल ट्रेंड चला हुआ है बाथरूम में भी फैंस लगाने का, तो प्रोविजन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये था हमारे 4 बेडरूम्स, 2 एक फ्लोर पे 2 BHK है हर फ्लोर, मतलब हमारे पास डुप्लेक्स है तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा 2 BHK है और फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारा 2 BHK है। इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है जिसको 4 रूम्स चाहिए हैं तो वो इजीली अपने 4 के 4 रूम्स यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार हमें तो 2 ही रूम्स की ज़रूरत है, तो आप किसी भी फैमिली को 2 रूम्स ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो रेंट की कोई इशू नहीं रहेगा, यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज हैं जो रेंट पे काफ़ी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोकेशन की बात करें तो VR पंजाब हमारा जो मॉल है वो बिल्कुल 1.5 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारी PGI है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ है हमारा, तो मोस्टली यहाँ पे। और अगर आप न्यू चंडीगढ़ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट रोड के ऊपर, एयरपोर्ट रोड से हार्डली 200 से 250 मीटर की दूरी पे है हमारी लोकेशन। तो यही रोड हमारी न्यू चंडीगढ़ को भी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रेंट की, तो रेंट आउट इजीली आपका हो जाएगा। आपको एक ये छोटा सा, आप इसको स्टोर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारी जो स्टेयर केस है उसी का एरिया है। ये है हमारा टेरेस एरिया, यहाँ पे आपको ये 1000 लीटर की टैंक और ये सब कुछ मिलने वाला है। और अगर आप बात करें टेरेस की तो काफ़ी स्पेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 125 गज का विला है। और आपको हमने ट्राई किया है कि आपको थोड़ा बहुत जितना अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं उतना अच्छे तरीके से हमने आपको ट्राई किया बताने का इस एरिया के बारे में और इस विला के बारे में भी। और बात करें अगर हम प्राइसिंग की, और अगर बात करिए जैसे मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से 200-250 मीटर है, तो ये सामने जो आप वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, ये गाड़ियाँ जहाँ से जा रही है ये एयरपोर्ट रोड ही है, तो ये हार्डली ही आपको 200 से 250 मीटर पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ का डिस्टेंस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे फैमिली मूव इन हो भी चुकी है, 3-4 फैमिलीज ऑलरेडी प्रोसेस में है मूव इन होने के। और यहाँ की हाँ सबसे ज़्यादा लोग वेट करते हैं प्राइसिंग के लिए, तो यहाँ की जो प्राइसिंग होने वाली है, जो यहाँ की जो प्राइसिंग है वो है 95 लाख, ऑब्वियसली नेगोशिएबल, बट 95 लाख इज द बेस प्राइस, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक
माइंड में लेके आओ कि हाँ 90-95 लाख के आसपास आपको ये पढ़ने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है और ये तो बहुत ज़्यादा है, 95 लाख तो बहुत ज़्यादा है, हम तो ऐसा कर लें कहीं और देख लेंगे, न्यू चंडीगढ़ देख लेंगे या फिर कहीं और, तो मैं आपको बता दूं कि इस एरिया के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्राइस है। अगर आप एयरपोर्ट रोड के दूसरी तरफ ही चले जाओ, सिर्फ एयरपोर्ट रोड पार करके ही आपको जाना है, सिर्फ आप वहाँ पे कदम रख लो और वहाँ पे जाके सिर्फ ये पूछो कि प्राइस क्या चल रहा है, तो 65,000 रुपये लोग बोलते हैं, वहाँ का आस्किंग प्राइस है 65,000 रुपये गज। तो 125 गज का अगर 65,000 के हिसाब से निकाल के बताऊं मैं आपको, 125 × 65 आपको 80 लाख के आसपास तो सिर्फ प्लॉट प्लॉट मिलेगा, सिर्फ प्लॉट। फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के खर्चे, जो भी एडिशनल खर्चे हैं वो अलग हैं, और फिर उसके ऊपर अगर आप 4 BHK बनाओगे तो आज के टाइम में 4 BHK कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पता होगा कितनी है, आपको कम से कम भी 35 से 40 लाख रुपया तो 4 BHK बनाने में ही लग जाए। तो आप आइडिया लगा के देखो इस हिसाब से, अभी जो प्राइस ब्रैकेट में हम आपको बता रहे हैं वो एकदम अच्छी और एकदम बढ़िया, मतलब इससे अच्छी प्राइस ब्रैकेट आपको यहाँ आसपास के एरिया में नहीं मिलने वाली। और हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि आपको आपका बजट थोड़ा कम है तो हमारे पास आप बजट कम बजट वालों के लिए भी रेंज है, पर वो उसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर के आसपास अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा कम बजट में भी आपका काम चल सकता है। पर अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन जैसे मैंने आपको समझाने की ट्राई की है, और अभी जो यहाँ पे काम हुआ है, जिस क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल यूज़ हुआ है उसको देखते हुए हमने जो आपको प्राइस रेंज बताई है वो एक ठीक और अच्छी प्राइस रेंज है। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप एक बार यहाँ पे आके विज़िट ज़रूर करें। अगर आपका 1 करोड़ तक का बजट है तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएं। अगर आपका 80 लाख का भी बजट है ना तो भी आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएं। आपको यहाँ पे आके सही में लगेगा कि हाँ यार, मैं इस ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ। बाकी आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को भी अगर घर, जो भी कोई घर देख रहा है, आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर 9988009110 पर कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और भी किसी चीज़ के लिए डिटेल्स लेनी है तो आप ले सकते हो। और इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।